Good morning students, today we will study about the accuracy and precision in the measurement. You have studied this concept little bit in chemistry also, but we will study this in physics also. So let us consider that what is accuracy and what is precision, what is the difference in both. So here accuracy and precision in measurement. Accuracy से चलते हैं हम लोग पहले. What is accuracy? In actual, accuracy in measurement is the measure that how close is the measured value to the true value of a quantity. Means, हम लोगों ने जैसे मान लो कोई भी लेंथ मेजर की. मान लो हमारे पास कोई लेंथ है, जैसे ये हमारे पास कोई एक रॉड मान ली मैंने, ये वाली ये मान चले हम, इसकी जो ट्रू वैल्यू है हमारे पास, मान लो ये आपके पास आ रही है 15.273 सेंटीमीटर, हमने ये मान, दिस इज द ट्रू वैल्यू. लेकिन हमने इसको मेजर किया बाय यूजिंग द मेजरिंग स्केल. मेजरिंग स्केल मीन्स आपके पास ये वाला स्केल, इस तरह की जो स्केल आती है, इससे हम लोगों ने मीटर स्केल जो हमारे पास है, इससे हम लोगों ने इसको क्या किया, मेजर किया. तो हमारे पास इसकी जो वैल्यू आ गई, जो मेजर्ड वैल्यू है, मेजर्ड वैल्यू वो आ गई आपके पास, दैट इज 15.3 सेंटीमीटर. सो दिस वैल्यू, दैट हाउ मच क्लोज इज दिस मेजर्ड वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू, दैट मेजर द एक्यूरेसी. मोर क्लोजर इज द मेजर्ड वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू, मोर इज द एक्यूरेसी. तो हम लोग यहां पर बात करेंगे सबसे पहले कि एक्चुअल में हमारे पास एक्यूरेसी हुई क्या. तो एक्यूरेसी क्या है हमारे पास, एक्यूरेसी इन मेजरमेंट इज द मेजर that how close is the measured value to the true value of measured quantity. मतलब कितने क्लोज है, जितने ज्यादा क्लोज हो आएगी वही है, उतनी ज्यादा क्या होगी हमारे पास एक्यूरेसी आएगी. अब ये एक्यूरेसी डिपेंड किसके ऊपर करती है, दिस एक्यूरेसी, द एक्यूरेसी दैट डिपेंड ऑन द मेजरिंग टेक्निक. एक तो हमारे पास आ गई किसके ऊपर, मेजरिंग टेक्निक. दूसरा हमारे पास किसके ऊपर डिपेंड करती है, इट डिपेंड ऑन द इंस्ट्रूमेंट, दैट द इंस्ट्रूमेंट दैट शुड नॉट बी फॉल्टी. हमारे पास इंस्ट्रूमेंट जो है फॉल्टी नहीं होना चाहिए. जैसे मान लो हमारे पास स्केल है, मीटर स्केल है, जैसे मान लो ये टूटा हुआ है कहीं से, तो क्या आ गया, ये फॉल्टी आ गया, तो भी आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ से एक्यूरेसी इतनी ज़्यादा नहीं आएगी. नेक्स्ट वन, इट आल्सो डिपेंड ऑन द फिजिकल कंडीशंस. फिजिकल कंडीशंस हमारे पास एरर्स, हम लोग जब पढ़ेंगे उस दौरान हम लोगों को ज़्यादा समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हमारे पास ये फिजिकल कंडीशंस के ऊपर भी डिपेंड करता है. तो कुल मिलाकर के बात ये है कि जो एक्यूरेसी है दैट डिपेंड ऑन द मेजरिंग टेक्निक. अब बात करते हैं प्रेसिजन कि ये प्रेसिजन क्या हुआ आपके पास, इसको समझते हैं. हम लोग फिर से एक एग्जांपल लेकर के चलते हैं. जैसे मान लो मैंने कोई लेंथ है, छोटी सी लेंथ मान के चलते हैं हम लोग, अब ये हम लोगों ने मान ली एक, This.
इसको मैंने पहले जो है वो मेजर किया बाय यूजिंग मीटर स्केल। अब मीटर स्केल आप लोगों के पास, क्योंकि यहाँ पर मीटर स्केल सिर्फ एक डेसिमल पॉइंट तक मेजर कर सकती है, तो इट मीन्स आप लोगों के पास इसकी मान लो मैंने लेंथ यूज जो मेजर कर ली बाय यूजिंग मीटर स्केल, मैं इसको L1 लिख लूँ, दैट इज 2.3 सेंटीमीटर। अब मैंने इसी लेंथ को मेजर किया बाय यूजिंग वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर हम ये हमारे पास एक डिवाइस आता है, इंस्ट्रूमेंट आता है जो कि लैब में रखा हुआ है, जैसे आप लोग स्कूल में आएंगे उस दौरान आप लोगों को दिखाया जाएगा ये। तो उसको हम लोगों ने मेजर किया तो उससे हमारे पास आ गए 2.32 सेंटीमीटर, मतलब डेसिमल के 2 पॉइंट तक हम लोगों ने इसको मेजर कर लिया। अब तीसरा हमारे पास, मान लो हम लोगों ने इसको स्क्रू गॉज से मेजर किया, स्क्रू गॉज भी आपके पास एक तरह का इंस्ट्रूमेंट आता है, तो वो कि डेसिमल के 3 पॉइंट तक मेजर करता है, तो हमारे पास लेंथ आगे मान लो ये 2.3, दिस इज 1, दिस इज 8 सेंटीमीटर। अब है वही रॉड लेकिन तीनों इंस्ट्रूमेंट से हमारे पास अलग अलग मेजर। सो विच वन वैल्यू इज मोर प्रेसाइज, द वैल्यू विच इज मेजर्ड अप टू मोर डेसिमल पॉइंट्स इज मोर प्रेसाइज। सो एक्यूरेसी यहां पर सॉरी जो प्रेसिजन है, प्रेसिजन इन द मेजरमेंट टेल्स अस द रेजोल्यूशन और द लिमिट टू विच द वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड बाय यूजिंग द इंस्ट्रूमेंट। कितनी लिमिट तक हम लोगों ने किसी वैल्यू को मेजर किया, यहाँ पर एक है रेजोल्यूशन एक तक, यहाँ पर कितना है 2 तक, और यहाँ पर कितने तक 3 तक मेजर किया, तो इन डेसिमल पॉइंट्स तक कितने डेसिमल पॉइंट तक हम लोगों ने इसको मेजर किया, दैट इज नोन एज अ प्रेसिजन। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि दैट प्रेसिजन tells us the resolution or limit to which the value of a physical quantity is measured by using measuring instrument. अब ये डिपेंड किसके ऊपर करता है, मैंने यहीं पर एग्जांपल दिया था कि ये आपके पास क्या किया था, अलग अलग हम लोगों ने डिवाइस लिए थे तो इसका मतलब उन्हीं के ऊपर डिपेंड किया था। तो ये जो प्रेसिजन है, प्रेसिजन डिपेंड्स ऑन लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर द मेजरमेंट, लीस्ट काउंट। अब लीस्ट काउंट क्या हुआ आपके पास, लीस्ट काउंट ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट इज द मिनिमम वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग द इंस्ट्रूमेंट। उस इंस्ट्रूमेंट को यूज कर करके हम लोग जो कम से कम वैल्यू मेजर कर सकते हैं उसी को हम लोगों ने क्या बोल दिया, दैट इज नोन एज अ लीस्ट काउंट, मिनिमम वैल्यू जो कि हम लोग मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर हम लोग बात करें मीटर स्केल, मीटर स्केल में हमारे पास लीस्ट काउंट ऑफ मीटर स्केल जो सिंपल स्केल है आप लोगों के पास दैट इज 1 mm, मतलब कम से कम कितना मेजर कर सकते हैं हम लोग इससे 1 mm। 1 mm का मतलब हो गया आपके पास कितना, दैट इज 0.1 सेंटीमीटर। इसका मतलब हम लोग मीटर स्केल से डेसिमल के 1 पॉइंट तक वैल्यूज को मेजर कर सकते हैं। दूसरी बात आपके पास लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर पर
ये आता है बेटा आपके पास 0.1 mm, दैट इज 0.01 सेंटीमीटर। मीन्स बाय यूजिंग वर्नियर स्केल वी कैन मेजर द वैल्यू अप टू 2 डेसिमल पॉइंट। मीन्स आपके पास वैल्यू क्या हो जाएगी, मोर प्रेसाइज। नेक्स्ट वन लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गॉज। ये सारी चीजें आप लोगों को लैब में मिलेंगी। वर्नियर मीटर स्केल तो आप लोगों के पास है, वर्नियर कैलिपर आप लोगों को लैब में मिलेगा, स्क्रू गॉज आप लोगों को लैब में मिलेगा, सिखाई जाएंगी इनसे वैल्यू कैसे मेजर की जाती है और कैसे इनका लीस्ट काउंट जो है वो निकाला जाता है, सारी चीजें। दैट इज 0.01 mm, दैट इज 0.001 सेंटीमीटर। इसका मतलब यहां पर कितने डेसिमल पॉइंट तक, 3 डेसिमल पॉइंट्स तक हम लोग जो है वैल्यू को मेजर कर सकते हैं। सो इट मीन्स जितने ज्यादा डेसिमल पॉइंट आएंगे किसी भी वैल्यू में, मेजर्ड वैल्यू में, उतनी ही वैल्यू क्या होगी, मोर प्रेसाइज। अब जितनी ज्यादा प्रेसाइज होगी हमारे पास, अगर हम लोग क्या करते हैं, कोई भी वैल्यू ढंग से हम लोग मेजर करते हैं, पूरे प्रिकॉशंस लेते हैं, टेक्निक, मेजरिंग टेक्निक हमारी अच्छी है, देन मोर इज द प्रेसिजन, मोर इज द एक्यूरेसी। जितना ज्यादा वैल्यू क्या होगी, प्रेसाइज होगी, उतनी ज्यादा क्या होगी, वो क्लोजर आएगी किसके, ट्रू वैल्यू के। इट मीन्स उतनी ही ज्यादा क्या होगी, एक्यूरेसी। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है हमारे पास, जैसे कि आपके पास विच वन इज मोर एक्यूरेट और मोर प्रेसाइज। ध्यान दें आप, विच वन इज मोर एक्यूरेट एंड मोर प्रेसाइज। देखते हैं हम लोग, एक ले लिया मैंने 2 सेंटीमीटर, ये पहला ले लिया, दूसरा मैंने ले लिया 2.0 सेंटीमीटर, तीसरा मैंने ले लिया 2.00 सेंटीमीटर और चौथा मैंने ले लिया यहां पर 2.000 सेंटीमीटर। देखने में तो सिंपली लग रहा है कि भाई ये भी 2 सेंटीमीटर है, दिस इज आल्सो 2 सेंटीमीटर, दिस इज आल्सो 2 सेंटीमीटर, दिस इज आल्सो 2 सेंटीमीटर, क्या फर्क है इनमें, बस एक डेसिमल पॉइंट तो लगाया हम लोगों ने, बाकी तो कोई फर्क नहीं है। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि विच वन इज मोर एक्यूरेट और विच वन, तो हमने पहले देखना है दैट विच वन इज मोर प्रेसाइज। यहां पर किसी भी डेसिमल पॉइंट तक जो वैल्यू मेजर नहीं की गई है, यहां पर 1 डेसिमल पॉइंट तक, यहां पर 2 डेसिमल तक और यहां पर 3 डेसिमल। तो ये आपके पास क्या है, सबसे ज्यादा प्रेसाइज वैल्यू आ गई। अब अगर टेक्निक, मेजरिंग टेक्निक हमारे पास अच्छी है, एक्यूरेट है, इट मींस दैट दिस वैल्यू इज द मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू। तो सबसे एक्यूरेट वैल्यू कौन सी हुई यहां पर, मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू इन दिस केस इज अ 2.000 सेंटीमीटर, बिकॉज इट इज मेजर्ड अप टू 3 डेसिमल पॉइंट्स, 3 डेसिमल पॉइंट्स तक जो है इसको मेजर किया गया है ऐसे इंस्ट्रूमेंट का यूज करके जिसका आपके पास लीस्ट काउंट कितना आ रहा है, दैट इज 0.001 सेंटीमीटर आपके पास लीस्ट काउंट आ रहा है। ठीक है, तो ये था हमारे पास कि एक्यूरेसी क्या हुई, एक्यूरेसी क्या हुई आपके पास कि कोई मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू के कितना क्लोज है, उसको जो मेजर करता है वो एक्यूरेसी मेजर करती है। प्रेसिजन क्या डिस्क्राइब करता है आपके पास कि कितने डेसिमल पॉइंट तक, मीन्स दैट टू व्हाट लिमिट और टू व्हाट रेजोल्यूशन अ वैल्यू इज मेजर्ड, दैट इज डिस्क्राइब्ड बाय द प्रेसिजन। ठीक है, मोर प्रेसाइज इज द वैल्यू, इफ द टेक्निक इज करेक्ट देन इट इज अ मोर एक्यूरेट। अब बात करते हैं हम लोग इसकी सिग्निफिकेंट फिगर्स की। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स भी आप लोगों ने अच्छे से पढ़ी हैं, ध्यान से वैसे पढ़ रखी हैं, केमिस्ट्री में आप लोगों ने कर रखी हैं, लेकिन मैं जो आप लोगों को बात बताऊंगा उसको आप लोगों ने ध्यान से देखना है और इस लेक्चर को लास्ट तक आप लोगों ने देखना है। आप लोगों को एक ऐसी बात बताई जाएगी जो आप लोगों ने बिल्कुल सीखनी है, यहाँ पर कई जगह पर कन्फ्यूजन रह जाता है उसके बारे में, उसको सीख लिया आप लोगों ने तो कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करते हुए आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं आएगा, जिंदगी भर नहीं आएगा। तो इसको सीखना है हम लोगों ने यहाँ पर ध्यान से, ऐसा नहीं बोलना है कि भाई हमें तो आती है ये, नहीं, यहाँ से सीखना है, इनको ध्यान से देखना है। हम लोग पहले बात करते हैं इसकी, दैट इज अ सिग्निफिकेंट फिगर्स होती क्या है हमारे पास।
या इनको बोलते हैं हम लोग सिग्निफिकेंट डिजिट्स। एग्जांपल लेकर के चलते हैं हम लोग। मान लो हम लोगों ने कोई लेंथ मेजर की, फिर से वहीं पर आ जाते हैं हम लोग। ये लेंथ हम लोगों ने मीटर स्केल से मेजर की और ये हमारे पास पहले जो मेजर की हम लोगों ने, ये मान लो आपके पास आ गई, दैट इज अ 12.4 सेंटीमीटर, क्योंकि मीटर स्केल कहां तक, एक डेसिमल पॉइंट तक जो है वो मेजर करें। अब मीटर स्केल में जरूरी नहीं है आपके पास कि ये जो है आपके पास 4 ही हो, एग्जैक्ट 4 के ऊपर नहीं आएगा पॉइंट। 12 तो पक्का है, ये दो डिजिट का तो पक्का है हम लोगों को कि भाई आएंगे 12 तो आएगा, लेकिन ये नहीं आएगा। इट मीन्स दीज टू डिजिट्स आर नोन रिलायबली, सर्टनली दीज आर नोन, बट दिस 4 दैट इज नॉट सर्टन। ये जरूरी नहीं है कि 4 ही है, 4 से थोड़ा सा आगे भी हो सकता है और थोड़ा सा पीछे भी हो सकता है। जैसे ये हमारे पास स्केल आगे 0 यहाँ पर है, यहाँ जैसे मैंने लिख दिया ये 12 सेंटीमीटर आपके पास, यहाँ पर आपके पास ये 1, 2, 3 और ये 4 और ये 5, तो ये आपके पास हो सकता है इससे 4 से थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है 4 से थोड़ा सा कम हो, लेकिन हम लोग क्या मानेंगे, दैट इट इज नियर बाय 4, तो हमने लिख दिया दैट इज इट इज अ 12.4, सो इट मीन्स दैट दिस इज अ अनसर्टेन डिजिट। तो ये आपके पास सर्टेन और रिलायबल डिजिट्स नोन रिलायबल एंड दिस इज फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट, वन अनसर्टेन डिजिट। अब अगर मान लो मैंने क्या किया, इसी लेंथ को मेजर कर लिया बाय यूजिंग वर्नियर कैलिपर, तो मेरे पास आ गया 4.42 सेंटीमीटर। अब ये सॉल्व हो गया भाई, अब ये भी आपके पास कंफर्म है और ये भी कंफर्म है, लेकिन इसका 2 का कंफर्म नहीं है, ये होगा ही होगा, तो इसका मतलब 3 डिजिट तो आपके पास में है, दीज आर नॉन रिलायबली, 3 का तो पक्का पता है कि भाई है ही है, इस चौथी का हम लोगों को नहीं पता। ऐसे मान करके चलते हैं हम लोगों ने, यहां पर ये एक अनसर्टन आई थी, यहां पर ये वाली अनसर्टन आ गई, ये दो सर्टन। मान लो इसको स्क्रू गॉज इस तरह से किसी इंस्ट्रूमेंट से हम लोगों ने मेजर किया, तो आपके पास आ गए 12.4, दिस इज 3 एंड दिस इज 1 सेंटीमीटर। अब ये भी पक्का है कि भाई ये 12 आएगा, 4 आएगा और 3 आएगा, लेकिन इस 1 का नहीं पता है, यहां पर 1 से थोड़ा सा कम भी हो सकता है, थोड़ा सा ज्यादा भी हो सकता है, तो ये आगे अनसर्टेन है। सो जो डिजिट्स तो हमारे पास रिलायबली नोन है, यहां पर 2 है, यहां पर 3 है और यहां पर कितनी है, 4, वो तो पक्का है हमारे पास, वो आगे सिग्निफिकेंट फिगर। प्लस हमने करनी है एक अनसर्टेन डिजिट, एक अनसर्टेन डिजिट उसमें ऐड करनी है, तो उनका जो नंबर आपके पास आएगा दैट आर नोन एज अ सिग्निफिकेंट फिगर। सो द डिजिट्स विच आर नोन रिलायबली प्लस वन अनसर्टेन डिजिट इज नोन एज अ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो हमारे पास क्या आ गया, सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या हुई, द नंबर ऑफ डिजिट्स नोन रिलायबली, रिलायबली मीन्स सर्टनली, प्लस द फर्स्ट और वन अनसर्टेन डिजिट आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो यहां पर कितनी हुई, ये 2 तो सर्टनली नोन है, एक के आगे अनसर्टेन, तो यहां पर आ गई 3, यहां पर 3 सर्टेन और एक अनसर्टेन, कितनी हो गई 4, यहां पर 3 तो सर्टेन थी, एक अनसर्टेन, तो कितनी हो गई 5, आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो आ गए आपके पास। ठीक है,
तो हम लोग क्या करते हैं कि इनको काउंट करने के लिए रूल्स हैं, कुछ रूल्स हैं, उनकी बात करते हैं हम लोग, उन रूल्स के ऊपर चलते हैं। सो द रूल्स टू काउंट द सिग्निफिकेंट फिगर्स, ध्यान से समझना बेटा, कुछ रूल्स हैं जिनके हमारे पास, हम लोगों ने तर्क देने हैं बाद में कि ये सही है या नहीं है, और उन्हीं से हम लोगों ने सीखना है। सो रूल्स टू काउंट द सिग्निफिकेंट फिगर्स और सिग्निफिकेंट डिजिट। पहला तो आपके पास क्या है, ऑल नॉन जीरो, डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ध्यान, सारी की सारी जो नॉन जीरो डिजिट्स हैं, मीन्स वन से लेकर के नाइन तक, वो सारे के सारे क्या हैं, सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं। यहां पर क्वांटिटी दो तरीके से आएगी आपके पास, या तो सिंपली दे दिया एक्स इज इक्वल टू 4, 3, 2, 1, सीधा दे दिया आपके पास। ये कोई क्वांटिटी नहीं है, मेजर्ड क्वांटिटी नहीं है, दिस इज जस्ट एज अ नंबर। इस नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हुई, देखो सारे के सारे क्या है, नॉन जीरो है आपके पास, तो काउंट करने कितने हुए, ये 1, 2, 3, 4, चार नंबर है आपके पास, तो एक नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हो गई आपके पास, 4, आपके 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगर मान लो आपके पास ऐसे दिया जाता है x इज इक्वल टू 537 सेंटीमीटर, ऐसे दिया, यूनिट लगा दिए मैंने साथ, तो ये तो था आपके पास, दिस इज नॉट अ मेजर्ड क्वांटिटी, ये क्या आ गया, दिस इज अ मेजर्ड क्वांटिटी, क्योंकि लेंथ आ गया आपके पास, ग्राम भी दिया जा सकता है, यहां पर किलोग्राम भी दिया जा सकता है, तो यहां पर भी आपके पास क्या आ रही है, दीज आर द नॉन जीरो डिजिट, सारे की सारी, तो ये सारे की सारे क्या करने है, काउंट करने है, कितने नंबर आ रहे हैं, 1, 2, 3, 3 आ रहे हैं, तो कितने आ गई, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। कोई दिक्कत ही नहीं है पहले। सेकंड वन आप लोगों के पास, दूसरे रूल की बात करते हैं हम, ऑल जीरोस, ऑकरिंग बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, वेयर एवर इज द डेसिमल पॉइंट, इफ एन, अगर वो डेसिमल पॉइंट भी है तो कहीं पर भी हो सकता है। जितनी भी जीरो आपके पास किन्हीं दो नॉन डिजिट नंबर के बीच में आएंगी, वो सारी की सारी क्या माननी है आप लोगों ने, सिग्निफिकेंट मान। तो जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल लेकर के चलता हूं, फॉर एग्जांपल एक्स इज इक्वल टू 3001, ये मान लिया। अब ये जीरोस किसके बीच में आ रही है, नॉन डिजिट, नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में, तो इसका मतलब ये भी क्या आ गई, सिग्निफिकेंट फिगर। तो कुल मिलाकर के सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हो गई, 1, 2, 3, 4, सो देयर आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगर मैं ऐसे ले लेता हूं इसको, एक्स इज इक्वल टू 42.01 मीटर, कोई बात नहीं, मेजर्ड क्वांटिटी है आप लोगों के पास, मीटर ना भी लगाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है आपके पास।
तो भी आपके पास ये जीरो कहाँ पर, डेसिमल पॉइंट चाहे मैं कहीं लगा दूं, चाहे मैं यहाँ पर लगा दूं 4.201 ऐसे लगा दूं मैं चाहे इसको, ठीक है, चाहे मैं इसको लिख दूं 420.1 ऐसे लिख दूं, वेयर एवर इज द डेसिमल पॉइंट प्लेस्ड। अगर ये जीरो की दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ रही है तो भी क्या होगी आपके पास, सिग्निफिकेंट। तो काउंट कर लो नंबर कितने हैं, 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पर सभी में कितने आ गए आपके पास, 4 सिग्निफिकेंट। So this is the rule number second. Next one, अगर मान लो आपके पास थर्ड, अगर कोई नंबर जो है वो एक से छोटा है, लेस देन वन, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं जीरो पॉइंट, ऐसे करते हैं स्टार्ट। सो एक A number is less than 1, then the zeros to the right of decimal and left of first non-zero digit are not significant. अब देखते हैं इसमें क्या, जैसे हमारे पास ये दिया गया x is equal to 0.01 3, 2 ऐसे लिख दिया। अब ये जीरो इससे राइट की तरफ को और नॉन जीरो से किस साइड को, लेफ्ट की तरफ, ये क्या हो गया आपके पास, दिस इज नॉट अ सिग्निफिकेंट। तो ये नॉन सिग्निफिकेंट होगी, तो सिग्निफिकेंट तो बचे सिर्फ यही आपके पास, तो यहां पर कितने आ गई, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। और डिजिट्स अगर मैं ऐसे ले लूं, x इज इक्वल टू 0.00201, अब ये तो आपके पास सिग्निफिकेंट है नहीं, लेकिन ये जीरो क्या आ रही है, दिस जीरो दैट इज इन बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स, देयरफॉर दिस इज सिग्निफिकेंट। ये क्या हो गई, सिग्निफिकेंट। तो ये हमारे पास यहां पर फिर से कितने आ गए, कितने नंबर हो गए, 1, 2, 3, यहां तक आएंगे सिग्निफिकेंट डिजिट, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स यहां पर आपके पास आ। नेक्स्ट वन, फोर्थ रूल की बात करते हैं। इन अ नंबर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, इसको मैं लास्ट में लेकर के चलूंगा, इस पॉइंट को ध्यान रखना है, इसको अभी यही है सब कुछ। इन अ नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट द ट्रेलिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट। अब नंबर की बात की मैंने, लेकिन अगर आपके पास कोई मेजर्ड क्वांटिटी है तो ये केस नहीं आता है, तो केस चेंज हो जाता है, सिर्फ नंबर की बात की है मैंने। नंबर कब पहचानना है आप लोगों ने, मेजर्ड क्वांटिटी और नंबर के बीच में फर्क क्या है, जब यूनिट लगे हैं इट मींस दैट इज अ मेजर्ड क्वांटिटी, और जब तक यूनिट नहीं लगे हैं इट मींस दैट इज जस्ट एज अ नंबर, वो सिंपली क्या है आपके पास, एक नंबर। तो जैसे मैंने लिख दिया यहां पर x इज इक्वल टू 4200, ये दो जीरो आ गए ट्रेलिंग जीरो आपके पास, ठीक है, ट्रेलिंग जीरो, मैंने कोई यूनिट नहीं लगाई, ध्यान रखना है बेटा यहां पर, अब जब यूनिट नहीं लगे
इट मीन्स ये दो जीरो आपके पास दीज आर नॉट सिग्निफिकेंट। इट मीन्स बच गई कितनी आपके पास, दो डिजिट ही बच गई। इट मीन्स आपके पास इट हैव अ टू सिग्निफिकेंट। लेकिन अब पांचवा रूल इसी के साथ मैं अभी इसके ऊपर लौट करके आऊंगा, लास्ट में हम लोग आएंगे इसके ऊपर, फिर से आएंगे, ध्यान में रखना इस पॉइंट को क्योंकि यहां से बहुत कुछ सीखना है हम लोगों ने। फिफ्थ वन पॉइंट, इन अ नंबर विथ डेसिमल पॉइंट द ट्रेलिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट। ट्रेलिंग जीरोस क्या हो गई, सिग्निफिकेंट हो गई आपके पास। अब देखते हैं इसमें इसका मतलब क्या हुआ आपके पास, ये ट्रेलिंग जीरोस कैसे सिग्निफिकेंट। जैसे मान लो मैंने ये क्या कर दिया, इसी एग्जांपल को ले लिया मैंने, मैंने यहां पर लिख दिया x इज इक्वल टू 4.200, ऐसे लिख दिया मैंने। अब डेसिमल पॉइंट लग गया तो इसका मतलब ये जो लास्ट की जीरोस हैं दीज आर सिग्निफिकेंट। नाउ दीज आर सिग्निफिकेंट, इसमें डेसिमल नहीं था तो ये सिग्निफिकेंट नहीं थी, लेकिन जब भी डेसिमल पॉइंट लग गया चाहे कहीं लगा लो आप लोग डेसिमल पॉइंट, then these trailing zeros these are significant। तो यहां पर number of significant figures कितनी आ गई, 4 significant। अगर मैं ऐसे लिख लू x इज इक्वल टू 0.03100 ऐसे लिख दिया मैं, तो देखो आप ये तो significant नहीं हुई, लेकिन डेसिमल के बाद जिसने भी आपके पास ये किसके बाद नॉन जीरो डिजिट के बाद लगी है जीरोस आपके पास, ट्रेलिंग जीरोस आ रहे हैं, दीज आर सिग्निफिकेंट। तो यहां पर भी कितने आ गए आपके पास, देयर आर 4 सिग्निफिकेंट। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट वन इसके ऊपर फिर से आएंगे, फोर्थ वाले के ऊपर फिर से आएंगे, मैं फिर बोल रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन, सिक्स्थ वन, पॉइंट नंबर सिक्स, जो डेसिमल पॉइंट हम लोग लेकर के चलते हैं कि दैट सॉरी एक चीज और लेकर चलते हैं, दैट चेंज इन यूनिट डज नॉट चेंज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इसके लिए हम लोग एक लिमिटेशन देंगे और उसको दूर भी करेंगे साथ के साथ हम लोग, ठीक है। अब इसमें देखते हैं क्या है भाई, जैसे मान लो मैंने यहां पर ले लिया एक्स 5.608 मीटर, मैं क्या करूं इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूं, सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो मेरे पास आ गया यहां पर एक्स, यहां पर देखें तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 1, 2, 3, 4 कितने आ गई, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब मैंने क्या किया इसको चेंज कर दिया इसमें सेंटीमीटर में, हमें पता है कि भाई एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मैं लिख दिया इसको 5608 सेंटीमीटर, फिर से कितनी आ गई, देयर आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। मान लो मैंने इसको इसमें मिलीमीटर में कन्वर्ट कर दिया तो 5608 mm के पास आ, तो फिर से कितने आ गए 1, 2, 3, 4 मीन्स देयर आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स।
अगर मैं किलोमीटर में चेंज करना चाहूँ तो एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से आपके पास 1000 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.005 608 किलोमीटर। तो यहां पर भी कितनी, ये तो दो नहीं हुई आपके पास सिग्निफिकेंट, तो कितने बच गए, चार सिग्निफिकेंट फिगर्स बच गए, तो फोर सिग्निफिकेंट फिगर्स। इट मींस हम लोग देख रहे हैं कि दैट विद द चेंज इन द यूनिट देयर इज अ नो चेंज इन द नंबर ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो हमारे पास यूनिट के चेंज होने के साथ नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स भी चेंज नहीं होंगी। नेक्स्ट वन इस रूल के ऊपर फिर से आएंगे हम लोग, एक ये फोर्थ था और एक ये सिक्स्थ रूल, कोई बात नहीं, इनको मैं फिर से एक्सप्लेन करेंगे हम लोग। सेवन्थ की बात करते हैं हम लोग, फॉर नंबर लेस देन वन द जीरो पुट कन्वेंशनली, टू द लेफ्ट ऑफ डेसिमल पॉइंट। इसको समझते हैं, जैसे मान लो कोई नंबर एक से छोटा है तो हम लोग लिख देते हैं एक्स इज इक्वल टू 0. ऐसे लिख देते हैं, ये जीरो लिखे मैंने, जैसे लिख दिया 0.125, मैं लिख दिया सेंटीमीटर लिख दिया, या मीटर लिख दिया, कुछ भी लिख दो आप लोग, या ऐसे लिख दिया। तो ये जो जीरो है ये कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होगी, इट इज नॉट अ सिग्निफिकेंट। और ये तो अंडर रूल थी ही नहीं, इसके लिए रूल किया था हम लोगों ने पहले, तो यहां पर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने बच गए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। लास्ट वन रूल आपके पास, इसको हटा देता हूं मैं, मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग फैक्टर्स, लास्ट रूल है ये सेवन्थ रूल, इसको भी ध्यान से समझना। मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग फैक्टर्स विच इज नाइदर राउंडेड ऑफ नॉट अ मेजर्ड क्वांटिटी। जब भी हम लोग किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, ना तो वो राउंडेड ऑफ है, ना ही वो क्या है, कोई मेजरिंग क्वांटिटी है, मेजर्ड क्वांटिटी है, वो क्या है, आर एग्जैक्ट नंबर। एंड दीज मे हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन, देखो फॉर एग्जाम्पल हम लोग मेजर करते हैं रेडियस ऑफ द सर्कल आर, दैट इज इक्वल टू डायामीटर डिवाइडेड बाय टू, डायामीटर को मैंने डी से, या फिर सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल
दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर। यहां पर अगर हम लोग देखें तो आपके पास 2 इज द फैक्टर, यहां पर आपके पास डिवाइडिंग फैक्टर है और यहां पर आपके पास मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है। इसको मेजर नहीं किया है, ना ही ये मेजरिंग फैक्टर है ना ही डिवाइडिंग फैक्टर है। इट मीन्स इट मे हैव अ इनफाइनाइट नंबर ऑफ, ये क्या हो गया, एग्जैक्ट नंबर हो गया आपके पास, तो इट मे हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 भी लिख सकता हूँ, 2.0 भी लिख सकता हूँ, 2.00 भी लिख सकता हूँ, 2.000 भी लिख सकता हूँ, 2.00000000 एंड सो ऑन, इस तरीके से लिख सकता हूँ। इसका मतलब इसके क्या हो गया आपके पास, इनफाइनाइट नंबर ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है पाई, पाई भी हमेशा आपके पास क्या आता है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपके लोगों के पास आता है, तो पाई भी क्या है का एग्जैक्ट नंबर है आप लोगों के पास, तो पाई की वैल्यू की अगर बात करें, पाई दैट आल्सो हैव अ इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ये तो सिंपली हम लोगों ने पढ़ लिए रूल्स, लेकिन हम फिर से मुड़ करके आते हैं, अब है सीखने वाली बात। इतना आप लोग जानते थे, बहुत सारे बच्चे इनको जानते थे, जो नहीं जानते थे उन्होंने सीख लिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, उसमें भी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ये एक बार पढ़ेंगे सारे बच्चे इनको सीख जाएंगे, विद एग्जांपल जो है आप लोगों को नोट्स मिलेंगे। हम लोग बात करते हैं यहाँ पर रूल नंबर 6 के ऊपर आता हूँ। अब बेटा आप लोगों ने ध्यान से समझना है, रूल नंबर 6 हम लोगों ने बोला था, जो 6 था रूल नंबर 6, विद द चेंज इन द यूनिट द नंबर ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स दैट डज नॉट चेंज, नहीं होगा बदला, यही बोला है। देखते हैं कैसे, हमने बोला यहां पर कि भाई आपके पास जैसे है 4.200 मीटर, ये मैंने ले लिया, एग्जाम्पल ले लिया मैंने रूल नंबर 6 की, हम लोग लिमिटेशन देंगे यहां, तो क्या आ गया हमारे पास नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 1, 2, 3, 4, कितने आ गए 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। मैं यूनिट चेंज करने जा रहा हूं, मैंने क्या किया इसको सेंटीमीटर में चेंज कर दिया, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4.20 मीटर सेंटीमीटर, फिर से कितने आ गए 1, 2, 3, 4, कोई फर्क नहीं पड़ा, 4 सिग्निफिकेंट फिगर, यहां तक तो सही, कोई दिक्कत नहीं है किसी, लेकिन मैं इसको मिलीमीटर में चेंज कर देता हूं, अब 4, 2, 1 और 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 0 mm। अब रूल अगर देखें, हम लोगों ने एक रूल किया था कि देयर आर द ट्रेलिंग जीरोस दैट आर नॉट सिग्निफिकेंट, ये बात कही थी हमने, इसका मतलब अगर उसको लेकर के चलें तो यहां पर कितने आ गए 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इट मीन्स ये रूल क्या हो गया आपके पास, लेकिन रूल तो रूल है भाई, नहीं हो सकता है फिर, तो उसके लिए क्या करना है आप लोगों ने, व्हेन एवर यू हैव टू काउंट द सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑफ एनी मेजर्ड क्वांटिटी, मैं मेजर्ड क्वांटिटी की बात कर रहा हूं बेटा, मेजर्ड क्वांटिटी का मतलब है जिसके साथ क्या लगे हैं, यूनिट लगे हैं, एनी मेजर्ड क्वांटिटी, देन यू हैव टू राइट इट इन साइंटिफिक नोटेशन, इसमें लिखना आप लोगों ने साइंटिफिक नोटेशन। अब साइंटिफिक नोटेशन क्या है, साइंटिफिक नोटेशन यही है कि डेसिमल पॉइंट जो है आप लोगों ने सबसे पहले कहां पर रखना है, फ्रॉम द लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट डेसिमल पॉइंट रख दिया हमने, ये और जब भी इसको चेंज करना है यूनिट, देन द यूनिट दैट विल बी चेंज्ड इन द रेस टू पावर 10 Which is never a significant. Means हम लोगों ने क्या यूज करना है, मल्टीप्लाई यूज करना है raised to power 10, जो कि हमारे पास कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं है। तो हमारे पास यहाँ पर जैसे ये था 4.200 मीटर, कितनी थी सिग्निफिकेंट फिगर्स, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अ
अब मैं किसमें करूं, सेंटीमीटर में, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा 4.200, इसको चेंज नहीं करना पूरे को, मल्टीप्लाइड बाय 10^2 सेंटीमीटर। एक मीटर में कितने सेंटीमीटर है, 10^2, तो कितने आ गई ये मल्टीप्लायर। कभी भी 10^ जो रेस्ट पावर 10 है, इट इज नेवर सिग्निफिकेंट, ये कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होगा, नेवर सिग्निफिकेंट। तो हमारे पास कितनी बच गई, 1, 2, 3, 4, कितने आ गई, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। आप किसमें करना है, मिलीमीटर में, तो 4.200 × 10^3 मिलीमीटर। आप देखो कितने आए, 1, 2, 3, 4, कितनी बच गई, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो आप देख लो इस रूल को, देखो यहां पर जो यहां पर क्या हुआ था, ये गलत प्रूफ हुआ था, वो यहां पर क्या हो गया, सही प्रूफ। इट मींस हम लोगों ने क्या करना है, जब भी यूनिट चेंज करना है, किसकी फॉर्मेट करना है, चेंज है इन द पावर ऑफ मल्टीप्लाई यहां पर 10। अगर मैं इसको किलोमीटर में चेंज करूं तो मैं इसको करूंगा 4.200 × 10^-3 किलोमीटर। किलोमीटर तो अभी कितने आ गया आपके पास, दैट इज अ, क्योंकि एक मीटर में सभी को बताया 1000 मीटर होते हैं एक किलोमीटर में, तो मैंने क्या कर दिया, 1000 से डिवाइड कर दिया इसको, तो 10^-3 मैंने ऊपर ले दिया, तो कितने आ गए, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए। सो ये सही है आपके पास, रूल नंबर 6, दैट इज करेक्ट, विद द चेंज इन द यूनिट द नंबर ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स दैट डज नॉट अ चेंज, बशर्ते आप लोगों ने यूनिट कैसे चेंज करने हैं, इन द रेस्ट पावर 10 बाई यूजिंग एज अ मल्टीप्लायर। ठीक है, अब बात करते हैं रूल नंबर 4 की। रूल नंबर 4 में हमने क्या बोला, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला रूल है हमारे पास, जो हम लोगों ने बात की थी, रूल नंबर 4 इसकी बात, जिसमें हमने बोला था कि दैट ऑल द इन द नंबर विद द विदाउट अ डेसिमल पॉइंट All the trailing zeros are non-significant. लेकिन कब लेनी है आपको, बनेगी उसके बाद, वो तब लेनी है जब आपके पास क्वांटिटी जो है वो मेजर्ड क्वांटिटी नहीं है। लेकिन अगर मेजर्ड क्वांटिटी है तो आप लोग जो है उनको निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। अब समझना है इसको ध्यान से, ये बहुत ही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये फोर्थ पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस वन। इसका एग्जाम्पल मान लो मेरे पास दिया है x = 4700, बस इतना है, यूनिट नहीं लगे हैं साथ में, इसका मतलब दिस इज नॉट अ मेजर्ड क्वांटिटी, दिस इज जस्ट एज अ नंबर, सिंपली क्या है आपके पास, एक ही नंबर है। इसका मतलब इसमें वो रूल लगेगा कि जो ट्रेलिंग जीरो है दीज आर नॉट अ सिग्निफिकेंट, तो यहां पर आपके पास नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने आ गए, 2 सिग्निफिकेंट, लेकिन मैं अगर इसको लिख दूं x = 4700 सेंटीमीटर, मीटर, ग्राम, किलोग्राम, कुछ भी लगा लिया मैंने यूनिट लगा, नाउ दिस इज अ मेजर्ड क्वांटिटी, अब ये इसमें जो है ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं आएंगी। ध्यान दें यहां पर ये रूल एप्लीकेबल नहीं है, जब क्वांटिटी कौन सी है, मेजर्ड क्वांटिटी, जब सिंपली नंबर है कोई तो ये रूल लगेगा। अगर आपके पास ये क्वांटिटी मेजर्ड है, जो कि हमारे पास चाहे लेंथ है, चाहे मास है, चाहे टाइम है, तो रूल नहीं लगेगा। इसको किसमें लिखना है, आप लोगों ने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो हमारे पास क्या आ गया, दैट इज 4.700, आप लोगों ने चेंज करना है इसको इनटू 10^3, कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर। थाउजेंड से डिवाइड कर दिया, थाउजेंड से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो ये तो नॉन सिग्निफिकेंट हो गया और ये सारी क्या हो गई, सिग्निफिकेंट। सो हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। एक और एग्जांपल देता हूं मैं, x = 20 ये ले लिया, और दूसरा मैंने ले लिया इसी में x = 20 किलोग्राम। आप कहते हैं ये कोई क्वांटिटी नहीं है क्योंकि यूनिट नहीं लगा, इट मींस
trailing zero that is not a significant, so the number of the significant digit that is only one significant digit. ध्यान दे बेटा यहां पर सिर्फ क्या गई एक सिग्निफिकेंट डिजिट, लेकिन यहां पर क्या लगा है आपके पास यूनिट लगे हैं साथ में, इट मींस ये कौन सी क्वांटिटी हो गई मेजर्ड क्वांटिटी हो गई, तो इसको कैसे लिखना आप लोगों ने 2.0 इंटू 10 रेस्ट पावर 1 किलोग्राम। अब ये तो सिग्निफिकेंट हुआ ही नहीं कभी भी, और ये दोनों क्या हो गए सिग्निफिकेंट, तो आपके पास कितने आ गई 2 सिग्निफिकेंट। होप आप लोगों को समझ में आ गई होंगी, अब ये एग्जांपल्स आप लोगों ने करने हैं, बस इस तरह के क्वेश्चंस के ऊपर खास करके ध्यान देना, कंपटीशन में अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर से तो यहीं से एग्जामिनर उलझाता है बच्चों को, यहीं से उलझाएगा, तो वहां पर आप लोगों ने क्या देखना है कि क्वांटिटी के साथ यूनिट लगे हैं या नहीं लगे, नहीं लगे हैं तो ट्रेलिंग जीरो को काउंट नहीं करना है, और अगर लगे हैं तो क्या करो साइंटिफिक नोटेशन में लिखो और उन जीरोस को काउंट कर लो, बस कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग इसकी राउंडिंग ऑफ की, राउंडिंग ऑफ कैसे करनी, जिस जिसको भी ये समझ में आ गया होगा सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ाया हुआ समझ में आ गया होगा, कुछ नया सीखा होगा, वो बच्चे लाइक जरूर करेंगे इसको, ठीक है लाइक जरूर करना उन बच्चों ने। चलो देखते हैं हम लोग कितने बच्चे लाइक करते हैं, लेट अस सी, बात करते हैं राउंडिंग ऑफ की। कई बार हम लोग क्या करेंगे न्यूमेरिकल्स करेंगे, फिजिक्स में करते हैं हम लोग, केमिस्ट्री में करते हैं, राउंडिंग ऑफ करते हैं हम लोग, लास्ट में जो आंसर हमारे पास आता है उसको हम लोग क्या करते हैं राउंड ऑफ करते हैं, डेसिमल में हमारे पास आता है लास्ट के 2 और 3 डिजिट को हम लोग हटाते हैं, तो डेसिमल के 1 या 2 पॉइंट तक हम लोग आंसर को लिखते हैं, तो राउंड ऑफ करके लिखते हैं, उसके कुछ रूल्स हैं हमारे पास, ठीक है वो देखते हैं हम लोग। पहली बात हमारे पास कुछ नहीं है, वैसे ही है जैसे 10th तक किए हैं आप लोगों ने, वैसे ही हम लोगों ने यहाँ पर 11th में करना है, वही रूल करना है हम लोगों ने, देखते हैं क्या है। पहली बात आप लोगों के पास, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5, then the preceding digit remains unchanged. Unchanged means remains same. जैसे मान लो आपके पास ऐसे दिया गया that x is equal to 3.53 is rounded off to 1 decimal point तक करना है मैंने इसको, तो इसको देखेंगे हम लोग 3 क्या है आपके पास that is less than 5, it means अगला preceding digit हम लोगों ने वैसा का वैसा ही रहने देना है, तो ये आपके पास क्या जाएगा that is equal to 3.5, simple। एक और एग्जाम्पल देख करके चलते हैं, x इज इक्वल टू 16.74 मैं सेंटीमीटर लिख देता हूँ इसको साथ, इसको राउंड ऑफ करेंगे एक डेसिमल पॉइंट तक, तो हमारे पास राउंड ऑफ करके आ जाएगा आपके पास कितना दैट इज 4 इज लेस देन 5, लेस देन 5 से आपके पास तो हमारे पास कितना आ जाएगा ये जो डिजिट है इट विल रिमेन अनचेंज्ड, सो इट विल बी 16.7। सेकेंड रूल, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज
ग्रेटर देन फाइव देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय वन। इसको देखते हैं, जैसे मान लो आपके पास ऐसे दिया गया है कि इट इज 5.67 सेंटीमीटर। मैंने इसको डेसिमल के एक पॉइंट तक राउंड अप करना है, तो 7 को मैंने ड्रॉप करना। इट इज ग्रेटर देन 5, तो अगले डिजिट को क्या कर दो आप लोग, एक से रेज कर देना हम लोगों ने, तो इसको राउंड अप करके हमारे पास आ गया 5.7 सेंटीमीटर। राउंड ऑफ कर दिया, इसको ड्रॉप कर दिया 7 को, बिकॉज इट इज ग्रेटर देन 5, तो अगला नंबर क्या हो जाएगा, एक से बढ़ जाएगा, इट इज रेज्ड बाय 1। नेक्स्ट वन, ये तो थी सिंपल सी बात आप लोगों के पास। नेक्स्ट वन, थर्ड वन, बोल इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 फॉलोड बाय 0 डिजिट देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1। आप देखते, इसमें बोला है कि जो डिजिट ड्रॉप करना है हम लोगों ने वो है 5, बट इट इज फॉलोड बाय नॉन जीरो डिजिट। देखते हैं कैसे, एग्जांपल लेते हैं, एक्स इज इक्वल टू, ऐसे दे रखा है आप लोगों के पास 16.352 सेंटीमीटर। मैंने इसको राउंड ऑफ करना है डेसिमल के 1 पॉइंट तक, ध्यान दें, तो मैंने 5 को ड्रॉप करना है, इट इज फॉलोड बाय नॉन जीरो डिजिट, तो इसको भी ड्रॉप करना पड़ेगा हमारे पास, भले ही आपके पास 5 से छोटा है, लेकिन अगले वाले को क्या कर दो आप लोग, रेज बाय 1। तो हमारे पास क्या गया राउंड ऑफ करके 16.4 सेंटीमीटर। ऐसे मेरे पास अगर ऐसे है 5.853 सेंटीमीटर, 6 भी ले सकता मैं यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो करते करते आ जाएगा आपके पास, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इसको क्या करना है, ड्रॉप करना है यहाँ से, तो क्या है, इट इज फॉलोड बाय नॉन जीरो डिजिट, तो हमारे पास इस 8 को क्या करना है, 1 से रेज कर देना, तो आपके पास आ गया 5.9 सेंटीमीटर। अब लास्ट के जो 2 पॉइंट हैं वो इंपॉर्टेंट हैं हमारे पास, उनको देखते हैं हम लोग क्या है। If the digit to be dropped is 5, सिर्फ 5 है, और 5 followed by 0s, then preceding digit remains same if even। मतलब कि हमारे पास जो डिजिट है उसको ड्रॉप करना है वो 5 है, 5 फॉलोड बाई 0, 5 फॉलोड बाई 0, मतलब 5 के बाद क्या है, 0 है, तो जो प्रीसीडिंग डिजिट है अगर वो इवन नंबर है तो वो वैसे का वैसा ही रहेगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास है 16.45 सेंटीमीटर, आप सिर्फ 5 ही है कि इसको ड्रॉप करना है, ये कौन सा नंबर है, 4 कैसा है, इवन नंबर है, तो ये क्या रहेगा, वैसे का वैसा ही रहेगा, तो ये राउंड ऑफ के क्या आएगा, दैट इज अ 16.4 सेंटीमीटर ऑनली, 5 नहीं आएगा।
या फिर हमारे पास ऐसे है 8.650 सेंटीमीटर, ऐसे लिख जाता हूं। तो इसको मैं अगर राउंड ऑफ करूं तो यहां पर क्या है, इसको मैंने ड्रॉप करना है डेसिमल के एक पॉइंट तक, 5 फॉलोड बाय 0। अगर यहां पर 0 नहीं होता तब तो सिंपल सी बात ही, ये 1 से रेस हो जाता है, लेकिन अब क्या है 5 फॉलोड बाय 0, इट मींस यहां पर नंबर क्या है आपके पास, इवन नंबर है, तो इट विल रिमेन सेम। सो आपके पास आ गया 8.6। अब इसी का अगला रूल देखते हैं हम लोग, लास्ट वन रूल। फिफ्थ वन, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 और 5 फॉलोड बाई 0s, then preceding digit is 1 if odd। अगर odd है तो हम लोगों ने क्या करना है, उसको 1 से raise करना। अब देखते हैं इसमें क्या है हमारे पास। जैसे मान लो आपके पास है एक्स इज इक्वल टू 6.75 सेंटीमीटर, 5 को ड्रॉप करना है मैंने यहां से। अब सिर्फ 5 है हमारे पास और कुछ नहीं आगे पीछे। अगला डिजिट देखा कैसा है, ऑड, ऑड है तो इसको क्या कर देंगे, इट शुड बी रेस्ड बाय 1। इवन होता तो वैसे का वैसे रखते, लेकिन कैसा आ गया, ऑड आ गया, तो क्या हो गया 6.8 सेंटीमीटर। ऐसे ही अगर मेरे पास ऐसे दे रखा है एक्स इज इक्वल टू 16.350 सेंटीमीटर, 5 फॉलोड बाय 0, मैंने इसको ड्रॉप करना है, तो अब क्या करेंगे भाई, अगला नंबर देखेंगे, अगला नंबर कैसा है, ऑड है, 3 इज ऑड, क्या कर देंगे, इट विल बी रेस्ड बाय 1, तो हमारे पास क्या गया 16.4 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास जो है वो दीज आर द रूल्स फॉर द राउंडिंग ऑफ। हम लोग इन्हीं को आगे करके अर्थमेटिक में इनका यूज करेंगे, तब तक के लिए आप लोगों ने ये सिग्निफिकेंट फिगर्स खास करके ध्यान देनी है आप लोगों ने। कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को दूंगा जिसमें आप लोगों ने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखने हैं, होप आप लोगों को समझ आए होंगे। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।